नमस्ते बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में मैं आपकी टीचर श्रीमती कल्पना अशोक मिस्त्री आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। बच्चों, कक्षा पांचवी के हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम हमारा अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हिंदी विषय कक्षा पांचवी के अंतर्गत आज हम हमारा अगला पाठ जो देखेंगे उसका नाम है बालिका दिवस। आओ पहले हम ये कुछ संवाद और नाट्यकरण की झलक देखते हैं। आज तो तुम बहुत रंग रंग कर आई हो। आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना? जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है। हाँ, हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। हाँ, इसीलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। खूब पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए बच्चों ने चाची और भैया की बात सुनी और आपस में शिक्षा का महत्व इस विषय पर चर्चा भी की। इन्होंने तो शिक्षा का महत्व समझ लिया है। आप सब भी खूब पढ़ना और अपने देश का नाम रोशन करना। प्यारे बच्चों, आप सब ने दुर्वा, चाची, बड़े भैया और साथी मित्रों के संवाद सुने। इन बच्चों ने 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाते हैं ऐसा बताया। हाँ बच्चों, 3 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 जनवरी यानी सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस। सावित्रीबाई फुले कौन थी, उन्होंने क्या कार्य किए थे, आओ हम इन सब के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। सावित्रीबाई के पिता का नाम खंडोजी नैवे से और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई का विवाह 1840 में ज्योतिबा फुले से हुआ था। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। यह था सावित्रीबाई फुले का संक्षिप्त परिचय। प्यारे बच्चों, क्या इस जगह को, इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई होगी? बहुत दिक्कतों का सामना किया, बहुत सी सामाजिक मुश्किलें उनके सामने थी,
जैसे कि वे स्कूल जाती थी तो विरोधी लोग उन पर पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंकते थे। आज से कई साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का नाम माना जाता था, तब उन्होंने ये क्रांतिकारी कदम उठाया था। सावित्री बाई पूरे देश की महानायिका है। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। बच्चों, वो जब कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी ना, तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे। ऐसा कहा जाता है कि सावित्री बाई साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी। क्यों वो ऐसा करती होगी, आप खुद समझ सकते हो कि जो कपड़े वो पहनकर घर से निकलती थी, जिस साड़ी में वो निकलती थी, वो साफ सुथरी साड़ी पर जब रास्ते से गुजरती थी ना, विरोधी उनका विरोध प्रदर्शित करने हेतु गंदगी, विष्ठा, गोबर फेंकते थे और उनके वस्त्र यानी के साड़ी खराब करते देते। और फिर भी हर मुसीबत को आगे चलकर स्वीकारा, हर चुनौती को अपनाया, सामना किया और कहीं रुकावट ना आए इस हेतु वे साड़ी हमेशा अपनी थैली में साथ लेकर जाती थी। स्कूल पहुंचकर साड़ी बदल लेती थी, लेकिन अपना रास्ता, अपना पथ उन्होंने कभी नहीं बदला। अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती रही। यहाँ पर मुझे स्वामी विवेकानंद जी का बहुत ही अच्छा एक सुविचार याद आ रहा है, आपके साथ पेश करने जा रही हूँ। उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तक सतत आगे बढ़ते रहो। स्वामी विवेकानंद जी जो प्रेरणा देते थे ना, वही प्रेरणा को कन्याओं के लिए हमें सावित्री बाई ने दी है। जब तक हमारी मंजिल हमें ना मिल जाए, हमारा रास्ता कितना भी पथरीला हो, कितनी भी मुसीबत रास्ते में आए, हमें अपना रास्ता बदलना पड़े तो रास्ता बदलना है, लेकिन लक्ष्य को हासिल करके ही रहना है, लक्ष्य को नहीं बदलना है, पथ से कभी विचलित नहीं होना, ये प्रेरणा हमें सावित्री बाई देती है। प्यारे बच्चों, 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ सावित्री बाई ने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। एक वर्ष में सावित्री बाई और महात्मा फुले जी ने 5 नए विद्यालय खोलने में सफलता हासिल की। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी शायद कल्पना आप आज कर भी नहीं सकते। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी, यानी लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। और उन दिनों में सावित्री बाई ने न केवल खुद ने शिक्षा हासिल की, बालिकाओं के लिए खुद शिक्षक बनी, विद्यालयों की स्थापना की, प्रिंसिपल बनी, तो आप समझ सकते हो कि उनका कार्य कितना ऊंचा है और क्या नेक काम उन्होंने हम कन्याओं के लिए, लड़कियों की साक्षरता की दिशा में कितना क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया। सावित्री बाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी, बल्कि दूसरी लड़कियों के
पढ़ने का भी उन्होंने बंदोबस्त किया। और बच्चों, मुझे तो कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हम जिस उमंग, खुशी और अधिकार के साथ शिक्षा हासिल कर रहे हैं ना, मैं खास तौर पर यहाँ कन्याओं को कह रही हूँ कि आप जो शिक्षा हासिल कर रहे हो, मुक्त गगन में शिक्षा का अधिकार आपको जो मिला है ना, उड़ने के जो पंख मिले हैं ना, वो शिक्षा के माध्यम से आपको दिलाने वाली थी सावित्री बाई फुले। ऐसी सावित्री बाई फुले को सच सच नमन है। प्यारे बच्चों, सावित्री बाई फुले को उनके इस कार्य में सहयोग देने वाली और एक महिला थी, जिन्होंने न केवल सावित्री बाई को सहयोग दिया, सावित्री बाई की तरह ही उन्होंने भी शिक्षा हासिल की, वो भी एक शिक्षिका बनी। बालिका के शिक्षण हेतु उन्होंने भी पुणे के अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय में ट्रेनिंग ली थी और स्कूल खोलने के लिए उन्होंने भी सावित्री बाई और ज्योतिबा का सहयोग दिया था। कौन था वो, आप जानते हो उन्हें? जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रही हूँ फातिमा शेख की, जो सावित्री बाई फुले की तरह ही गर्ल्स स्कूल की टीचर थी, जिन्होंने खुद शिक्षा हासिल की और गर्ल्स यानी कन्याओं के शिक्षा हेतु कार्य भी किए। जब सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले का सामाजिक विरोधकों ने विरोध किया, तब इन्होंने इनका साथ दिया और कन्या शिक्षण का जो कार्य था उसे अखंडित रखने में पूरा पूरा सहयोग दिया। अतः मैं फातिमा शेख जी को भी उनके इस प्रशंसनीय कार्य के लिए नमन करती हूँ। ऐसी महान क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले 1897 में जब पूरे महाराष्ट्र में आसपास के इलाकों में प्लेग महामारी छाई हुई थी, तब प्लेग से पीड़ित लोगों की सेवा कर रही थी। रोगियों की सेवा करते हुए सावित्री बाई खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। 10 मार्च 1897 को सावित्री बाई का निधन हो गया। और बच्चों, हमने एक क्रांति ज्योति को खो दिया, सावित्री बाई फुले। आज हमारे बीच में नहीं है तो क्या हुआ? कन्या शिक्षण के लिए दरवाजे खोलने वाली, कन्याओं का भला सोचने वाली और प्रगत महिला को जब हम देखते हैं ना, तो क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले की याद हमें आई जाती है। हर क्षेत्र में आज हमें महिलाएं आगे बढ़ती दिख रही है। समाज में हर कदम से कदम मिलाने वाली, हर क्षेत्र में ऊंचा नाम करने वाली हर महिला में एक ज्योति जब हम देखते हैं ना, तो सावित्री बाई हमें याद आ जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर सावित्री बाई हमारे बीच में नहीं है तो क्या हुआ? उनके कार्य की सुवास ने उन्हें हमारे बीच में हमेशा सजीव रखा है, जिंदा रखा है। और इसीलिए प्यारे बच्चों, सावित्री बाई फुले, इनका जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में प्रति वर्ष हम मनाते हैं। आओ अब जानते हैं कुछ ऐसी लड़कियां, कुछ ऐसी महिलाएं जो समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि क्षेत्र में आगे रही है। मानव कल्याण कार्य करने वाली नोबल पुरस्कार प्राप्त मदर टेरेसा जी,
यह है श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हमारे स्वतंत्र भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इनका लोहा पूरी दुनिया ने माना, आयरन लेडी के नाम से ये दुनिया में जानी जाती है। ये है हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। बच्चों, ये है कल्पना चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कल्पना ने न सिर्फ अंतरिक्ष की दुनिया में उपलब्धियां हासिल की, बल्कि तमाम छात्र छात्राओं को सपनों को जीना सिखाया है। कल्पना की उड़ान ऊंची रही अंतरिक्ष की ओर और हमें भी प्रेरणा देती रही है कि हमें भी ऊंची उड़ान भरनी है। ये है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी। दोस्तों, मेरे भारत के इस जाबाज ऑफिसर का जज्बा तो सुनिए। कुछ भी हो जाए, लालच और दबाव को अपने करीब ना आने दे, क्योंकि जिंदगी में फिर कभी और लेकिन के लिए कोई जगह नहीं होती। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कुछ महिलाओं के बारे में जानकारी बताई। अब आपको भी ये कृति अवश्य करनी है। समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में आगे महिला और लड़कियों के बारे में जानकारी आपके आस पड़ोस से प्राप्त करनी है और ये कृति करने में आपको बड़ा ही आनंद आएगा। अतः मैं उम्मीद रखती हूँ आप जरूर ये कृति करेंगे, आस पड़ोस से आप जानकारी प्राप्त करके अपने शिक्षिका के साथ जरूर क्लास में साझा करेंगे। आओ अब हम हमारे पाठ्यपुस्तक के बालिका दिवस इस पाठ से संबंधित स्वाध्याय की कृति देखते हैं। आपको ध्यान से स्वाध्याय की कृति को देखना और सुनना है और उसके बाद आपको भी अवश्य करना है। शब्द के अर्थ देखते हैं। एकत्रित यानी इकट्ठा, अन्य दूसरा, प्रथम पहली। शिक्षिका अध्यापिका, प्रशासन राजकाज, सजग सावधान। प्यारे बच्चों, इन सारे शब्दों के अर्थों को ध्यान से सुनना और याद कर लेना। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। लड़कियों के लिए पहली पाठशाला खाली जगह में शुरू हुई थी। सावित्री बाई महाराष्ट्र की प्रथम खाली जगह मानी जाती है। प्रतिवर्ष 3 जनवरी को खाली जगह मनाया जाता है। शिक्षा हमें खाली जगह और सजग बनाती है। चलो तो अब उत्तर जांचते हैं। लड़कियों के लिए पहली पाठशाला पुणे में शुरू हुई थी। आपका उत्तर है पुणे।
यदि आपने यह उत्तर पसंद किया था तो आपका जवाब सही है। सावित्री बाई महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। बच्चों, आपने शिक्षिका इस शब्द का चुनाव किया था यदि रिक्त स्थान में लिखने के लिए, तो आपका उत्तर सही है। प्रतिवर्ष 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये उत्तर तो आप सबका सही ही होगा, क्योंकि हमारे पाठ का शीर्षक था बालिका दिवस। और आखिरी रिक्त स्थान का जवाब है स्वावलंबी। शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। बच्चों, आप भी इस उत्तर को जरूर जांचें। मेरे प्यारे बाल मित्रों, आप सभी को उचित आरोह अवरोह के साथ, उचित उच्चारण के साथ बालिका दिवस इस पाठ का वाचन करना है। आपको मुखर और मौन दोनों ही प्रकार के वाचन का सराव करना है। और बहुत जरूरी, ये मौखिक कार्य आपको अवश्य करना है। लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार बताइए। बालिका दिवस आपकी पाठशाला में प्रतिवर्ष किस तरह से मनाया जाता है? बच्चों, आपको इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। आप यदि लिखना चाहो तो अपने विचारों को कागज कलम उठाकर लिख भी सकते हो, और आपके पास यदि कोई छवि हो, यानी कि बालिका दिवस आपने स्कूल में मनाया हो और आपके पास इसके पिक्चर का कलेक्शन हो, तो उसको, उन पिक्चरों को एक एल्बम जैसा बनाकर भी आप उपक्रम बना सकते हो। कैसा रहा मेरा सुझाव? इसमें से कोई भी सुझाव आप अपना सकते हो, और एक कृति अवश्य करना। अच्छा, तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का पाठ समझ में आ गया होगा। बच्चों, मैंने आपको जो गुरु पाठ, स्वाध्याय और पाठ के अंतर्गत आई कृति बताई है, वो सब आपको करनी है और अपने टीचर के साथ क्लास ग्रुप में साझा करनी है। और हाँ बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सहपाठी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कहूँ बच्चों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें, सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अच्छा, तो बच्चों, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Thank you for watching. Don't forget to click on bell icon. Friends, subscribe our channel. Click on the bell icon. Like and share with your friends. Thank you. Goodbye.
मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।